हेलो आई एम पांडे कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन हम लोग शल के शेप के के साइज बारे में पढ़ चुके अब हम लोग को पढ़ना है के के वॉल्यूम वॉल्यूम बारे में कि का कैसा होता है इनमें कैसे चेंजेस आते हैं चलिए देखते हैं सेल का वॉल्यूम क्या होता है कैसा होता है और इसमें चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि सेल के नंबर कितने होते हैं ऑर्गेनिज्म में फाइन तो अगर हम लोग सेल के वॉल्यूम की बात करें तो सेल का वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ सेल जो होता है ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है किसी सेल के टाइप कैसे हैं लाइक वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज फेयरली कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी जो सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इनमें अलग अलग सेल हैं आपने देखा तो इनका वॉल्यूम कैसा होगा तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की साइज क्या है ऑर्गेनिज्म क्या है इस पर डिपेंड करता है नाउ फॉर एग्जाम्पल सी किडनी और लिवर सेल्स आर द सेम साइज इन बुल हॉल्स एंड हाउस माउस सॉरी हाउस नहीं तो जो किडनी होती है किडनी के जो लिवर सेल्स होते हैं इनका सेम वॉल्यूम होता है एक बुल में एक हॉल्स में और एक माउस में बुल हॉस बुल माउस, तीन है तो इनके शेप अलग अलग हैं। आपने देखा है बुल कितना बड़ा है माउस कितना छोटा है बुल और हॉल्स थोड़े थोड़े मतलब एक जैसे आप कह सकते हैं साइज है, इनकी एक जैसी है पर बुल फिर भी हैवी होता है हॉल्स से और माउस जो है वो बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू बुल इन कंपेरिजन टू हॉस तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बुल की किडनी है जो हॉर्स की किडनी है और जो माउस की किडनी है इनमें जो लिवर सेल्स हैं किडनी सेल्स हैं ये सब सेम साइज के हैं ओके नाउ डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ द ऑर्गन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द नंबर नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल अच्छा सोचिए एलिफेंट इतना बड़ा होता है होता है ना और माउस इतना छोटा होता है तो यहाँ पे सेल का वॉल्यूम वैरी करेगा सेल का शेप वैरी करेगा साइज वैरी करेगा क्या वेरी करेगा सेल का वॉल्यूम नहीं वेरी करता है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स वेरी करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं लाइक एलिफेंट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे यू कैन से कि हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड ट्रिलियन होंगे और माउस में तो बहुत कम सेल्स होते हैं बहुत छोटा होता है तो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करते हैं ये ना कि उसके वॉल्यूम पे फाइन द सेल ऑफ एन necessarily आर नॉट those लार्जर other दो एनिमल्स और प्लांट तो जो एलिफेंट के सेल्स होते हैं ये ये नेसेसरली लार्जर नहीं होते हैं बल्कि ये नंबर में ज्यादा होते हैं ऐसा नहीं है कि एलिफेंट या वेल बहुत बड़े हैं बहुत बड़े हैं तो इनमें सेल के साइज़ शेप भी बड़े बड़े होंगे ऐसा नहीं होता सेल के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं ओके तो ये होते हैं सेल के वॉल्यूम के बारे में चलिए अब हम लोग देखते हैं सेल के नंबर के बारे में कि सेल कितने नंबर में होते हैं किसी में तो अगर सेल के नंबर की बात करें तो यूनी ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं भाई तो नंबर ऑफ सेल्स इज मोस्टली मल्टी ऑर्गेनिज्म इज़ इंडेफिनिट सेल इतने छोटे हैं इतने छोटे हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं तो सोचिए है, अब इतने बड़े ह्यूमन को इतने बड़े वेल को इतने बड़े एलिफेंट को या बड़े से बनियान ट्री के सेल्स कितने काउंट करने में क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत इनडेफिनेट है मतलब कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकता कि कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं नंबर ऑफ सेल इन द मल्टीकुलर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को रिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म की साइज कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं लाइक वेल कितनी बड़ी फिश है एलिफेंट बड़ा एनिमल है बनियान ट्री बड़ा प्लांट है नीम बड़ा प्लांट है कुछ छोटे प्लांट भी हैं तो इन सब में अलग अलग साइज है अलग अलग साइज के साथ नंबर ऑफ सेल्स का वेरिएशन होता है लाइक like कोई छोटा है तो उसमें छोटा कम सेल्स होंगे कोई बहुत बड़ा है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगे बस यही होता है ओके नाउ स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म हैज़ लेस नंबर ऑफ़ सेल इन कंपैरिजन टू लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म तो जो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म है जैसे माउस है जैसे रैबिट है जैसे आपके इंसेक्ट्स हैं रेप्टाइल्स हैं छोटे छोटे तो इनमें लेस नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे इन कंपैरिजन टू लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज जैसे हॉल्स है बुल है ह्यूमस हैं बड़े बड़े प्लांट्स हैं ट्रीज प्लांट नहीं ट्रीज हैं वेल हैं तो एस्टाक हैं तो इनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और स्मॉल एनिमल्स में कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनिजम सच एज एलिफेंट वेल कैमल नीम ट्री और बनियान ट्री है काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स इनमें इतने सेल होते हैं इतने सेल होते हैं कि हम गिनती ही नहीं कर पाते हैं। भाई कि कितने सेल ये कैरी किए हुए हैं तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं इसमें लिमिटलेस होते हैं अनकाउंटेड होते हैं क्योंकि वेट भी तो चेंज होता है सब में तो मुश्किल है थोड़ा ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते पर मुश्किल कह सकते हैं इन ह्यूमन बींग द नंबर ऑफ सेल इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट हंड्रेड ट्रिलियन अगर एक ह्यूमन की बात करें तो उनमें कितने सेल्स होंगे हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स होंगे दैट इज़ टेन टू द पावर फोर्टीन इतने सेल्स होते हैं टेन टू द पावर फोर्टीन इतने सेल्स होते हैं अब आप सोच लो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं इसमें तो ये रहा आपके सेल्स के बारे में बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं आपको पता है पहले से ही तो अब सेल के नंबर के भी बारे में आप समझ गए हैं सेल के वॉल्यूम के भी बारे में आप समझ गए ठीक इतना था अभी आज की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय